मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोमवीर मलिक, जी ट्रिपल एस सैदपुर ब्लॉक करकोटा। आज का विषय है हमारा बच्चों संख्याओं की विभाज्यता की जांच। संख्याएं जैसे ये संख्याएं दी गई हैं, ये किस तरह से किन किन अंकों से भाग पूरी पूरी भाग होती है, इसकी जांच किस तरह से करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है दो से विभाज्यता। दो से कोई संख्या, इनमें से जो संख्याएं दे रखी है इनमें से कौन सी संख्याएं दो से भाग होती है, कौन सी संख्याएं दो से भाग नहीं होती। तो दो से भाग होने की पहचान कैसे होती है बच्चों, दो से कैसे कौन सी संख्याएं भाग होती हैं? वह संख्या जिसमें इकाई का अंक जीरो हो, दो हो, चार हो, छह, आठ, ये हो, जिसका इकाई का अंक दो चार छह, जीरो दो चार छह आठ हो, वह संख्या क्या होगी? दो से भाग होगी, बाकी संख्याएं दो से भाग नहीं होगी। जैसे इसमें इकाई का अंक आठ है तो यह संख्या दो से भाग होगी, इसमें इकाई का अंक छह है तो यह संख्या भी दो से भाग होगी। ये है, इसमें इकाई का अंक नौ है तो ये संख्या ये 4,06,847 दो से भाग नहीं होगा। इसमें इकाई का अंक जीरो है तो यह संख्या कितने से दो से भाग होगी। इसमें इकाई का अंक कितना है, चार है तो ये 4,32,714 भी दो से भाग होगा। इसमें इकाई का अंक कितना बच्चों, पांच, तो ये जो है इसकी संख्या जो है वो दो से भाग नहीं होगी। इसमें इकाई का अंक तीन है तो बच्चों 1,463 जो संख्या है ये दो से भाग नहीं होगी। तो जिसमें इकाई का अंक जीरो दो चार छह आठ आपका होगा, संख्या दो से भाग होती है। इसके बाद आता है हमारे पास तीन से विभाज्यता की जांच। किससे? तीन से विभाज्यता की जांच। तीन से विभाज्यता की जांच में क्या होता है, जैसे ये अंक हमने ये लिया, इसमें तीन से भाग होने का मतलब है इसके जो ये अंक है ना, इन अंकों को जोड़ लेते हैं। जैसे 9 जमा 8 जमा 9 जमा 8 9 और 8 17 17 और 9 और 17 17 दुनी 34, जब ये 34 तीन से भाग पूरा पूरा होता है तो यह संख्या तीन से भाग होगी, अदरवाइज यह संख्या तीन से भाग नहीं होगी। अब 34 को तीन से भाग करके देखेंगे, तीन एकम तीन, चार बच गया, फिर तीन एकम तीन, एक बच गया, पूरा पूरा भाग नहीं हुआ, इसका मतलब 9,898 तीन से भाग नहीं होता। अब इसके बाद जैसे हम इस संख्या को देखते हैं 1,116, तो इसमें ये अंक है 6 1 1 1 1 जमा 1 जमा 1 जमा 6, इनको जोड़ा 1 और 1 2 और 3 और 6 9, तो ये 9 को हम 3 से भाग करके देखेंगे तो पूरा भाग हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 1,116 है ये क्या होगा, 3 से भाग होगा। यानी कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा भाग होता हो तो वह संख्या भी 3 से भाग होती है। तो 3 की पहचान ये होगी बच्चों। अब संख्या 4 की पहचान देखिए, 4 से कौन सी संख्याएं भाग होती है, 4 से भाग होने वाली संख्या, 4 से भाग होने का नियम क्या है, किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, जैसे 98 16 39 10, इसका 14, इसका 75, इसका 63, इसका 60, इनमें से जो ये संख्या बनती है ना, ये इसके इकाई और दहाई के अंतिम दो अंकों से बनी संख्या अगर 4 से भाग होती है तो वह पूरी संख्या भी 4 से भाग होगी, नहीं तो नहीं। जैसे 98 है, इसका 98 को 4 से भाग करेंगे, 4 गुणी 8, ये बच गया 4 चौक 16, तो कितना बच गया 2, इसका मतलब 9,298 4 से भाग नहीं होगा। अब इसमें देखो जैसे 1,116 है, 16 4 के पड़े मतलब 4 चौक 16 पूरा भाग होता है, इसका मतलब 1,166 116 ये 4 से भाग होगा। 39 4 के पड़े तो नहीं आता, तो ये 4 से भाग नहीं होगा। 10 4 के पड़े नहीं आता, तो ये 4 से भाग नहीं होगा। 14 4 के पड़े नहीं आता, तो ये भी 4 से भाग नहीं होगा। 75 4 के पड़े नहीं आता, ये भी 4 से भाग नहीं होगा। 63 4 से पूरा भाग नहीं होता, तो ये भी 4 से भाग नहीं होगा। अब 60 है, जैसे 60 को हम 4 से भाग करके देखें तो 4 एकम 4, 2 4 5 20, 5 4 से पूरा भाग रहा है, जिसका मतलब 3,060 ऐसी संख्या है जो 4 से पूरी भाग होगी। इसके बाद आता है 5 से विभाज्यता। इसके बाद क्या आता है, 5 से कौन सी संख्याएं भाग होती है, 5 से वे सारी संख्याएं भाग होती हैं जिसमें इकाई का अंक, जिसमें इकाई का अंक क्या हो बच्चों, 0 या 5, जिसमें इकाई का अंक 0 या 5 हो, संख्या सभी 5 से भाग होती है। तो इसमें इकाई का अंक देखो, इसमें 0 है, इसका मतलब 6,39,210 5 से पूरा भाग होगा। इसमें इकाई का अंक 5 है, तो इसका मतलब
15075 जो है वो 5 से पूरा पूरा भाग होगा, इसमें इकाई का अंक 0 है तो 3060 जो है वो 5 से पूरा पूरा भाग होगा। तो 5 से वो संख्याएं भाग होगी जिसमें इकाई का अंक 0 या 5 हो। इसके बाद आता है 6 से विभाज्यता की जांच। 6 से विभाज्यता की जांच का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जो 6 से विभाज्यता का मतलब होता है जो 2 तथा 3, 2 और 3 दोनों से भाग होती हो तो वो 6 से भी भाग होती होगी। जो 2 से भी भाग होने वाली संख्याएं हो और 3 से भाग होने वाली संख्याएं भी हो वे 6 से भाग होगी। जैसे ये इसका इकाई का अंक क्या है 0, तो इसका मतलब ये कितने से भाग होती है 2 से। अब 3 से भाग करेंगे तो 3 जमा 0 जमा 6 जमा 0 कितना आ जाएगा 9, और 9 3 से भाग होता है तो इसका मतलब 3060 जो है वो 2 और 3 दोनों से भाग होती है, तो 3060 6 से भी पूरी पूरी भाग होगी। तो 6 से भाग होने की क्या है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग होती है वह 6 से भी भाग होती है। अब 7 से विभाज्यता को ध्यान से देखो। 7 से विभाज्यता का मतलब होता है जैसे हमने एक ये संख्या ले ली 1400, 1423, इसमें जो इकाई के अंक से जो बनी संख्या है उसका दोगुना कर दे, कितना आ गया 6। इकाई के अंक की जो संख्या उसका दोगुना कर दे और जो बाकी संख्या बची 146 उसमें से 6 घटा दे तो कितना आ गया 140। अगर ये जो 140 आया ये 7 से पूरा पूरा भाग होता है तो इसका मतलब यह संख्या भी या 1463 भी 7 से पूरा पूरा भाग होता है। जिस संख्या के इकाई के अंक का दोगुना शेष बची हुई संख्या में से घटाने पर जो संख्या आती है अगर वो 7 से पूरी पूरी भाग होती है तो इसका मतलब दी गई संख्या भी 7 से भाग होगी। जैसे 1463 7 से पूरा पूरा भाग होगा। इसके बाद आता है 8 से विभाज्यता की जांच। 8 से कौन सी संख्याएं भाग होती है? 8 से 3 या 3 से अधिक अंकों वाली संख्याएं जिसके इकाई दाई और सैकड़ा लास्ट के 3 अंक देखेंगे। लास्ट के कितने अंक देखेंगे? 3 अंक। जैसे इसमें 210 देख लिया, इसमें 714 देख लिया, इसमें 60 देख लिया, इसमें 463 देख लिया, इसमें 75 देख लिया। तो लास्ट के 3 अक्षरों से 3 अंकों से बनी हुई कोई संख्या, लास्ट के 3 अंकों से बनी हुई कोई भी संख्या है अगर वह 8 से भाग होती है तो वह पूरी की पूरी संख्या भी 8 से भाग होगी। जैसे मान लो हमें 210 ले लेता है, 210 को हम 8 से भाग करके देखेंगे, 8 गुणी 16 5 बच गए, 8 6 48 ये 2 बच गया, तो ये 216 2 से 8 से पूरा पूरा भाग नहीं हुआ। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका मतलब 6,39,210 भी 8 से भाग नहीं होता। तो ऐसी संख्या लेंगे जिसके लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या है अगर वह 8 से पूरी पूरी भाग होती है तो दी हुई संख्याओं में से कोई भी संख्या जब हम लेंगे तो वह 8 से पूरी पूरी भाग होगी। इसके बाद है 9 से विभाज्यता की जांच। 9 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं? जैसे 9,898 है तो इसमें अंकों का जोड़ कर लेते हैं, 9, 8, 9 और 8 इन अंकों को जोड़ दिया। अगर ये अंकों का योग 9 के पाड़े भागता है 9 से पूरा पूरा भाग होता है तो वह 9,898 भी 9 से पूरा पूरा भाग हो गए। तो जैसे इसका जोड़ आ गया 34, 34 9 के पाड़े में नहीं आता, इसका मतलब यह संख्या 9 से भाग नहीं होगी। और कोई संख्या जैसे 9 से भाग होने वाली संख्या, जैसे मान लो ये ले लेते हैं हम, जैसे ये ले लिया 15075, इसमें अंकों का योग 1 जमा 5 जमा 0 जमा 7 जमा 5 तो कितना 5 और 6 7 और 6 13 5 18 18 को हम 9 से भाग करें तो 9 2 18 पूरा पूरा भाग हो जाता है। इसका मतलब 15075 है वो 9 से भाग होगा। इसके बाद आता 10 से विभाज्यता की जांच। 10 से विभाज्यता का मतलब होता है वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 0 है। इनमें देखो इकाई का अंक किसमें 0 है, इसमें है इकाई का अंक 0 और इसमें 3060 में इकाई का अंक 0 है और किसमें बच्चों 6,39,210 में भी इकाई का अंक क्या है 0। तो इसका मतलब वह ये 2 संख्या ऐसी है जो 10 से भाग होगी। इसके बाद आता है 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता का मतलब होता है जैसे हमने ये लिख दिया 4,29,714 11 से भाग करके देखना है तो यहां से लेकर इसके ये यहां से इसको एक एक अंक छोड़ते जाओ इस तरह से और इस तरह से एक एक अंक छोड़ते जाओ, फिर ये जो बच गए ये और ये इनका इसका जोड़ करो 2 और 7 और 4 और जमा 7 जमा 2 कितना आ गया 7 और 4 11 12 13 आ गया, कितना आ गया 13। अब बाकी जो अंक बच गए 1
जमा नौ जमा चार, ये कितना हो, चार तेरह रे चौदह आ गया बच्चों, कितना आ गया चौदह। सात देखो, चार जमा सात जमा दो, सात और चार ग्यारह दो तेरह, फिर ये जोड़ो चार एक जमा नौ जमा चार चौदह आ गया। अब इनका अंतर करके देखो, चौदह और तेरह का अंतर एक आया। अगर इन दोनों का अंतर जीरो आ जाता या ग्यारह की पाड़े में आने वाली संख्या आ जाता तो यह संख्या कितने से पूरी पूरी भाग हो जाती, ग्यारह से, अदरवाइज नहीं होती। जैसे अब हमने एक संख्या ये ले ली 9898, 9898 इसमें ये एक ही इधर से इस साइड से एक अंक छोड़ छोड़कर अंकों को जोड़ते चले जाओ, आठ जमा आठ कितना हो गया सोलह, बाकी कौन से बच गए ये नौ जमा नौ अठारह, और इसका जब अंतर भी कितना, इतना इसका अंतर जब हमने काढ़ा तो अठारह माइनस सोलह कितना आया बच्चों दो, तो इसका अंतर यह संख्या भी इतने से इस तरह से नौ से भाग न ग्यारह से भाग नहीं होती। तो ग्यारह से भाग करने का नियम क्या है, जैसे हमने लिया चालीस लाख छह हजार आठ सौ उनतालीस, अब ये देखना है क्या है ग्यारह से भाग होती है क्या है। तो इसमें यहां इकाई का अंक फिर एक अंक छोड़ दिया, फिर दाएं का छोड़ दिया, सैकड़ा हजार दस हजार का ले लिया, इनको जोड़ा नौ जमा आठ जमा जीरो, नौ आठ सत्रह, बाकी हम बच गए ये चार छह तीन, तो इसको तीन जमा छह जमा चार, छह तीन नौ और चार तेरह, इसका अंतर किया वो भी अंतर कितना नहीं आया, इसका अंतर किया सत्रह माइनस तेरह वो चार आ गया। अगर इनका अंतर जीरो आ जाता या इनका अंतर ग्यारह जब पाड़े को भाग होने वाली संख्या आ जाता तो यह संख्या ग्यारह से भाग होगी नहीं तो नहीं होगी। और कोई भी संख्या हम लेकर देख लेते हैं उसको, अगर वो ग्यारह से भाग होती है या नहीं होती है तो उसमें भी हम, जैसे हमने ये ले लिया तिरसठ लाख नौ हजार दो सौ दस, ये ग्यारह से भाग होता है नहीं, तो इसमें भी हम इस तरह से एक एक अंक छोड़ छोड़ कर संख्याएं लेंगे और फिर बाकी जो संख्याएं बचगी उन संख्याओं को जोड़ लेंगे, जीरो जमा दो जमा तीन पांच आ गया, बाकी क्या क्या बचगी, जीरो जमा दो जमा तीन छह नौ और एक, एक जमा नौ जमा छह, नौ दस और छह सोलह, सोलह में से पांच गए कितना बच गया ग्यारह, तो ये इसका अंतर कितना आ गया ग्यारह, इसका मतलब तिरसठ हजार नौ तिरसठ लाख नौ हजार दो सौ दस जो संख्या है वो क्या होगी, ग्यारह से पूरी पूरी भाग होगी। इसके बाद आता है बारह से विभाज्यता की जांच, बारह से कैसे भाग होती है, बारह से वो संख्याएं भाग होती हैं जो तीन और चार, तीन और चार, तीन और चार दोनों से भाग होती हो वो संख्याएं बारह से भी भाग होगी, जो तीन से भी भाग होती हो और चार से भी भाग होती हो वो संख्याएं बारह से भी भाग होती मिलेगी। जैसे हमने ये लिया तीन हजार साठ, ये सबसे पहले देखा तीन से भाग होता है या नहीं होता, तीन से भाग होने का नियम क्या था, तीन जमा जीरो जमा छह जमा जीरो कितना आ गया नौ, नौ तीन के पाड़े में आता है जिसका मतलब तीन से भाग होता है, फिर छह चार से भाग होने का नियम क्या था, लास्ट के दो अंक लिख कर देख लेंगे अगर वे चार से भाग होते हैं तो ये संख्या भी चार से भाग होगी, तो ये भी भाग होगा, तो तीन हजार साठ चार से भी भाग होता है और तीन से भी भाग होता है, तो इसका मतलब ये संख्या बारह से भी भाग होगी। इस तरह से हम विभाज्यता देख सकते हैं कौन सी संख्या दो से तीन से चार से पांच से छह से सात से आठ से नौ दस ग्यारह बारह से भाग होती है। इस नियम का प्रयोग करके हम संख्या की विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। धन्यवाद।